ग्रीटिंग्स, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूँ सरिता और बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आप सबका रांची ब्लॉगर सरिता में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे डब्बे सूख गए और मैंने इन्हें अरेंज करके अभी रख दिया है, ये देखिए। और दो चार डब्बे अभी बाकी हैं, तो उसमें भी मैं कुछ कुछ डाल के उसके बाद रखूँगी। और बस यहाँ पर मेरे डब्बे अरेंज हो चुके हैं, तो किचन का काम तो भाई निपटता नहीं है, अभी बहुत सारा काम बाकी है। डब्बे सिर्फ अरेंज हुए हैं और अभी मसालेदानी में मसाला डालना है, तो मैं अभी वो भी करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली में आप सभी का वेलकम है, तो बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में। और फ्रेंड्स, ये है गणपति विसर्जन का सीन। और हमारे घर के सामने ही एक जो तालाब मैंने आपको दिखाया था, तो उसी में गणपति विसर्जित हो रहे थे। तो हम लोग भी दौड़े दौड़े आए, लेकिन जब तक हम आए तब तक गणपति जी विसर्जित हो चुके थे। लेकिन यहाँ पे सभी लोग डांस कर रहे थे विसर्जन के बाद, और ये सभी नागपुरी डांस कर रहे थे जो यहाँ का फेमस है। और यहाँ की लेडीज़ बहुत ही ज़्यादा मस्ती में डांस करती हैं, बिल्कुल मस्त हो जाती हैं डांस करते करते, और बहुत अच्छा लगता है इन्हें देखने में। और फिर वो लोग चले गए अपने घर और हम लोग लौट पड़े अपने घर। तो बस ये रास्ते का सीन है, और कितना ही सुंदर सीन है फ्रेंड्स। देखिए कि चारों तरफ हरियाली है, ये धान के जो खेत हैं ये सारे, इसलिए इतने हरे हरे दिख रहे हैं। और शाम का टाइम था, तो बस गायें भी चढ़ कर वापस जा रही हैं अपने घर और हम भी चल पड़े अपने घर। फ्रेंड्स, अभी मैं आई हुई हूँ अपनी पीछे वाली बालकनी में कपड़े उठाने। देखिए पूरे कपड़े मेरे सूख चुके हैं, और यहाँ से देखिए क्या ही नज़ारा आ रहा है व्यू। तो ये मेरे घर के पीछे का नज़ारा है, और जब मैं कपड़े डालने आती हूँ या जब उतारने आती हूँ तो थोड़ी देर रुककर इस नज़ारे का मज़ा ले लेती हूँ। और अब हो चुका है टाइम संध्या आरती का, तो मैं आ गई थी अपने घर के मंदिर में और जल्दी जल्दी मैंने संध्या आरती की, क्योंकि देर हो चुकी थी काफ़ी। और यहाँ मेन गेट पे मैंने गणपति जी की तस्वीर लगा रखी है, कहते हैं कि मेन गेट पे लगाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लगा रखी है।
और यहाँ का बल्ब शायद फ्यूज हो चुका था या पता नहीं क्या, मैंने जलाने की कोशिश की तो वो जला नहीं, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया, इसलिए आपको थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा आ रहा होगा। और ये है हमारी भगवत गीता जी, तो मैं इन्हें भी आरती कर देती हूँ रोज़। और आदर्श को मैंने बोला कि भजन बजा दो, तो बच्चे ही भजन बजाते हैं, जो भी उनका मन करता है। इसमें 108 भजन है, तो जो भी मन करता है वो भजन बजा देते हैं, और शाम और सुबह में दोनों टाइम भजन बजता है इसमें, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इसका भजन सुनना इसमें से। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये छोटी सी वीडियो, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।